लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए गठबंधन को 292 सीटें मिली और बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। वहीं विपक्षी इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें हासिल की। पार्टियों की बात करें तो एनडीए की अगुवा बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अकेले सरकार बना सके ऐसे हालात में नहीं है। उधर कांग्रेस 99 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी 37 और टीएमसी को 29 सीटें मिली है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई। एनडीए के पास 292 सीटें हैं और ऐसे में सबकी निगाहें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर टिकी है, जो किंग मेकर बनकर उभरे हैं। जहां चंद्रबाबू की पार्टी टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं, वहीं नीतीश की पार्टी को 12 सीटें मिली हैं। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू गठबंधन का साथ छोड़ देते हैं तो बीजेपी की सरकार बनना मुश्किल हो जाएगा। अगर 292 सीटों में से नीतीश और चंद्रबाबू की पार्टी की 16 और 12 सीटें घटा दी जाएं तो सिर्फ 264 सीटें ही एनडीए के पास रह जाएंगी और सरकार बनाने के लिए 272 सीटों का होना जरूरी है। बीजेपी के लिए बड़ी चिंता की बात नीतीश कुमार हैं, क्योंकि उन्होंने जीत के बाद कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी और सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कई बार नीतीश से मिलने की कोशिश की, लेकिन नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले और सम्राट चौधरी से न मिलने और कोई प्रतिक्रिया न देने को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। वहीं चंद्रबाबू ने जीत के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नतीजे आने के बाद एक पोस्ट करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश के लोगों ने हमें एक मजबूत जनादेश दिया है। यह जनादेश हमारे गठबंधन और राज्य के लोगों के लिए विश्वास का प्रतिबिंब है। अपने लोगों के साथ मिलकर हम आंध्र प्रदेश का पुनर्निर्माण करेंगे और इसके गौरव को फिर से स्थापित करेंगे। ऐसे में अगर सिर्फ नीतीश ही पलटी मारते हैं तो बीजेपी की सरकार बनना मुमकिन है, क्योंकि ऐसे हालात में एनडीए गठबंधन की सीटें घटकर 280 रह जाएंगी, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों से 8 ज्यादा है। अब इन सभी चर्चाओं के बीच इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी बीजेपी की टेंशन को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इंडिया गठबंधन के कई नेता बार बार नीतीश और नायडू का नाम भी ले रहे हैं और ऐसे में खास बात यह है कि जब सोमवार को कांग्रेस दफ्तर में कई नेताओं ने चेहरे पर मुस्कान के साथ ये कहा, नीतीश तो सबके हैं। चर्चा ये भी है कि इंडिया ब्लॉग ने नीतीश कुमार को अप्रोच किया है। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।